थोड़ी पंचायत करने का और वादों को जानने का। हम इस एपिसोड में कुछ ऐसे सवाल करेंगे, नवनिर्वाचित प्रधानों से पूछेंगे कि वे अपने क्षेत्रों का किस प्रकार से विकास करेंगे। तो आइए देखते हैं पंचायती वादे। क्या नाम है प्रधान जी आपका? रघुराज वर्मा। किस गांव से आप प्रधान हुए? किस गांव से? बीरेपुर। प्रधान जी, जैसा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ आपको जिताया है, जीतने के बाद आप जनता का विश्वास कैसे बनाए रखेंगे? विश्वास बना रखेंगे तो थोड़ा जो यहाँ जो काम हुआ है, तमाम मतलब प्लंजा है, नाली है, तमाम प्रकार की मतलब कमियाँ रह गई हैं, वो सब सही कराएंगे। पेंशन प्रायः देखा गया है कि लोग विकलांग पेंशन और वृद्धा पेंशन के लिए विकास भवन के चक्कर लगाते रहते हैं, उनको नाकामयाबी हासिल होती है, क्या आपके समय में क्या होगा इसका? नहीं, इसमें होगा, हम लोग मंत्री से पहले से भी करवाते रहे वहाँ से बात करके। कोरोना काल में जैसे कि साप्ताहिक लॉकडाउन, 2 दिवसीय लॉकडाउन, 15 दिन का लॉकडाउन चला, यदि संपूर्ण लॉकडाउन होता है तो आप जनता के लिए क्या करेंगे जब खाने के लाले पड़ जाते हैं? जो कुछ हो पाएगा वो करेंगे, तो खाने की व्यवस्था करवाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आप क्या करेंगे? न्यूज़ इंडिया 24 की तरफ से आप जनता को कोरोना को लेके क्या संदेश देना चाहते हैं? एक महामारी है और इसे बचने के लिए मतलब दूरी बनाए रखना जरूरी है, बाहर निकलना ये सब। क्या नाम है आपका? अभय प्रताप जाता हूँ। किस गांव से आप प्रधान हुए? ग्राम परिशंकर। प्रधानी जी, जिस विश्वास के साथ जनता ने आपको जितवाया है जी, क्या आप जनता के विश्वास पे पूरे उतरेंगे? जी, पूरा खरा उतरेंगे। जैसा कि रोड की हालत जो जर्जर है आपके गांव में जी, और पानी की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था, इससे इसमें आपको क्या कहना है? जो है पानी, सड़क, नाली जो भी हमारे यहाँ टूटी टूटी है, उसको हम इस 5 साल में बेहतरीन बना के जो है ग्राम सभा का सबसे नंबर एक ग्राम सभा बनाना चाहते हैं अपने गाँव का। प्रधान जी, शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि गांव में अशिक्षित लोग हैं, उनके लिए क्या करेंगे आप? उनको भी शिक्षित, शिक्षा के लिए जो है उनको जागरूक किया जाएगा, उनको भी आगे।